ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। फरीदनगर में क्राइम पर लगाम कसने व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से नजामी चौक सुपेला के दो अलग अलग चौकों में जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, जिसका दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव उद्घाटन किया। भिलाई में लूटपाट, एक्सीडेंट, गैरकानूनी कार्य जैसी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए फरीदनगर के दो अलग अलग चौराहों पर जन सहयोग से 9 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसका शुभारंभ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के लगने से आपराधिक घटनाओं की तफ्तीश में सहायता मिलेगी। लगातार सभी थाना क्षेत्र में सीसीटीवी लगाया जा रहा है। सीसीटीवी लगाने से जो असामाजिक तत्व है उस पर निगरानी होती है, चोरी डकैती उस पर कंट्रोल होता है, बाद में इन्वेस्टिगेशन में काम आता है और जो संदिग्ध लोग घूमते हैं उससे इसकी पहचान होती है और जो लोग यहाँ बैठ के पीना खाना और मारपीट छेड़छाड़ करते हैं उन सबकी पहचान की जाएगी और IPC की गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जनता को भी इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है और लगातार जन भागीदारी और जन सहयोग से लगातार CCTV लगाया जा रहा है। शासन स्तर पर भी 70 करोड़ का जो है मांग भेजा गया, वहाँ से भी जल्दी ITMF कैमराज लगेंगे और पूरे दुर्ग भिलाई को जो तीसरी आँख है CCTV उस पर निगरानी में रखेंगे और सबसे भी बड़ा आँख और कान जो है जनता है हमारे लिए। डेली हमारे पास लगातार मोबाइल पर फुटेज आ रहे हैं ट्रैफिक वायोलेशंस के, भुदंग में जाने वालों के, पी के हल्ला करने वालों के और लगातार गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। इसी दबाव का नतीजा है कि सैकड़ों हथियार जो हैं वो हमारे डिपॉजिट बॉक्स पे डिपॉजिट कर दिए गए हैं और अभी जो होली है तो पहले एक टेंशन का माहौल होता था, अभी सभी समाज और सभी धर्मों के बीच में एक सौहार्द का माहौल है और होली जो है शांतिपूर्वक जो है इस बार सभी रंगों की होली खेलेंगे। इस बार हमने पहले कहा था तकंचे और हथियारों की होली नहीं, इस बार रंग गुलाल की होली होगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।